गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? फाइन, ओके, गुड। हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर 3, नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर। ये चैप्टर हमारा अभी चल रहा है। तो इस चैप्टर में अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए। तो सबसे पहले हमने पढ़ा इसमें थोड़ा सा हिटलर के बारे में, जो ये हिटलर थे, ये हमारे द ग्रेट हिटलर थे। इसके बाद हमने जो है हिटलर की, ये भी आपके हिटलर हैं, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। इसके बाद हमने हिटलर का चैप्टर स्टार्टिंग में ही एक हेलमुत की कहानी थी, वो हमने पढ़ी थी। उसके बाद हमने बर्थ ऑफ वीमार रिपब्लिक पढ़ा था आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद वीमार रिपब्लिक कैसे बना, वो हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा इफ़ेक्ट ऑफ वॉर, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसका क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ा जर्मनी पे। और इसके बाद हमने पॉलिटिकल कंडीशन पढ़ी थी जर्मनी की क्या थी। उसके बाद हमने ईयर ऑफ डिप्रेशन पढ़ा था कि यूएसए में उसका यूएसए में क्या क्या असर पड़ा था डिप्रेशन का। और इसके बाद जो सेकंड टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, वो था राइज ऑफ हिटलर, जिसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हम पढ़ चुके हैं राइज ऑफ हिटलर के बारे में, कि हिटलर राइज टू पावर, मतलब कि हिटलर कौन थे और इनकी पावर जो है कैसे कैसे राइज हुई थी। उसके बाद हमने देखो क्या पढ़ा था हिटलर के बारे में, फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ा था कि उन्होंने कैसे डेमोक्रेसी को डिस्ट्रक्ट कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। उसके बाद हमने पढ़ा था रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ जर्मनी, जर्मनी का रिकन्स्ट्रक्शन हमने पढ़ा था कि जर्मनी दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट कैसे, जर्मनी रिकन्स्ट्रक्शन हुई थी जब हिटलर ने पावर गेन कर ली थी या पावर उसके हाथ में आ गई थी, ठीक है, कैसे उसने जर्मनी को बनाया। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में पिछली 3 वीडियोस में, ठीक है। अब इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं नाजी आइडियोलॉजी। जो हिटलर था, हिटलर की जो पार्टी थी उस पार्टी का नाम था नाजी, ठीक है। हिटलर जो था वो नाजिज्म को सपोर्ट करता था और उसकी पार्टी का नाम था नाजी। तो नाजीज की आइडियोलॉजी क्या थी, नाजीज जो है वो किस चीज़ को मानते थे और वो किस चीज़ को सपोर्ट करते थे, तो ये हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। देखो, अकॉर्डिंग टू द नाजी देयर वॉज नो इक्वालिटी अमंग पीपल, ठीक है। अगर हम देखो नाजीज़ की आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग लोगों में कोई भी इक्वालिटी नहीं है, यानी लोग जो है, अब जैसे हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी में हमारे पास एक राइट क्या है, राइट टू इक्वालिटी, यानी कि हम सब जो हैं वो एक समान हैं, एक जैसे हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू नाजीज़ के अकॉर्डिंग जो लोग हैं वो लोग एक समान नहीं हैं, इक्वल नहीं हैं, ठीक है, इक्वल नहीं है, ध्यान रखना बच्चों इस चीज़ को। नाजीज के आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग पीपल्स जो हैं नो इक्वालिटी अमंग पीपल, मतलब लोगों के बीच में कोई भी इक्वालिटी नहीं है। पीपल वर अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ रेसिस, ब्लू आइड जर्मन आर्यन ऑन टॉप, मिक्स कलर पीपल इन मिडल एंड ज्यूज इन लोएस्ट। देखो इन्होंने क्या किया था, लोगों की कैटेगरी को डिवाइड कर दिया था, लोगों की कैटेगरी बना दी थी। अब जैसे फर्स्ट कैटेगरी जो थी वो क्या थी, बेसिस ऑफ रेस ब्लू आइड जर्मन आर्यन, जो जर्मन आर्यन थे यानी कि जिनकी ब्लू आंखें थी और जो मतलब बहुत अट्रैक्टिव थे, लंबे चौड़े थे, थोड़े बॉडी बिल्डर टाइप के थे, तो उनको तो इन्होंने जर्मन आर्यन के उसमें रखा और इनको कहाँ रखा, टॉप में, यानी कि सबसे ऊपर रखा इनको। उसके बाद मिक्स कलर पीपल जो थे, यानी कि जो मिले जुले कलर के लोग थे, उन लोगों को इन्होंने बीच में रखा, मिडल में रखा। और जो सबसे नीचे, जो लोएस्ट कैटेगरी थी वो थी ज्यूज की, ज्यूज जो थे वो सबसे लो कैटेगरी में थे, यानी लो जो थे उनका लेवल जो था वो बिल्कुल ही लो था। तो इन्होंने तीन कैटेगरी क्लासिफाइड की थी। फर्स्ट क्या थे, आर्यंस थे, जर्मन आर्यंस थे जो कि नाजी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते थे। दूसरे जो थे वो कलर्ड पीपल थे, मिक्स कलर्ड पीपल थे। और तीसरे जो थे वो कौन थे, ज्यूज थे, ठीक है। हिटलर फॉलोड द
पॉलिसी ऑफ रेसिज्म चार्ल्स डार्विन एंड हर्बर्ट स्पेंसर। अब हिटलर जो था वो फॉलो करते थे चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर की रेसिज्म पॉलिसी को। अब देखो रेसिज्म पॉलिसी क्या थी, हिटलर जो थे वो ऐसी पॉलिसी को फॉलो करते थे या मानते थे जिसमें क्या होता था, जैसे कि चार्ल्स डार्विन है, चार्ल्स डार्विन ने एक्सप्लेन किया था कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल एंड हर्बर्ट स्पेंसर टोल्ड अबाउट द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यानी कि जो चार्ल्स डार्विन थे उनका कंसेप्ट था इवोल्यूशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, यानी प्लांट और एनिमल जो है वो कैसे बने, कैसे उनका विकास हुआ और कैसे कैसे उन्होंने अपने आप को डेवलप किया। और वहीं हर्बर्ट स्पेंसर की अगर बात देखें तो हर्बर्ट स्पेंसर ने जो उनका उनकी जो पॉलिसी थी या उन्होंने जो एक्सप्लेन किया था वो किया था सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट वे, यानी कि वन हु अडॉप्ट हिमसेल्फ टू चेंजिंग द कंडीशन, यानी कि हम अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए, अपने आप को स्थापित करने के लिए, अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए हमें कंडीशंस को चेंज करना पड़ेगा। तो ये जो थी चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर की जो पॉलिसी थी उसको हिटलर जो था वो फॉलो करता था। तभी उसने जैसे ही उसके हाथ में राजतंत्र आया या सरकार आई जो भी आया तो उसने अपने अकॉर्डिंग जो थी वो पॉलिसीज जो है वो बना लिया, अपने जो समाज उसका जो अपना समाज था उसको उसने चेंज कर दिया। अब आगे देखते हैं, नाजी बिलीव ऑन थीम स्ट्रॉन्गेस्ट रेस वुड सर्वाइव एंड वीक वुड डिस्ट्रॉय। अब नाजी जो थे वो बिलीव करते थे किस थीम को, कौन सी थीम बिलीव करते थे कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट है, जो मजबूत है, जो पावरफुल है वो सर्वाइव करेगा और वीक जो है, जो कमज़ोर है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। यानी नाजी की आइडियोलॉजी क्या थी कि अगर हम पावरफुल हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, हर चीज़ से संपन्न हैं तो हमें कोई भी हरा नहीं सकता, हम जो है वीक नहीं हो सकते, हम ही सर्वाइव करेंगे और जो वीक जो कैटेगरी है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। देयरफोर नाजी आर्यन वर स्ट्रॉन्गर रेस देयरफोर प्लेस ऑन टॉप। और इसी कारण जो नाजी आर्यन थे वो टॉप पे थे, वो स्ट्रॉन्ग थे, वो ज़्यादा पावरफुल थे और इसीलिए उनको टॉप पे रखा गया था। नाजी ऑल्सो बिलीव, अब देखो नाजी और क्या बिलीव करते थे, कंसेप्ट ऑफ लेबेनस्ट्रम एग्जाम्पल लिविंग स्पेस। अब नाजी जो थे वो लेबेनस्ट्रम में भी विश्वास करते थे जो क्या था, लिविंग स्पेस का कंसेप्ट था। द बिलीव इन एनेक्सिंग अदर टेरिटरी फॉर लिविंग, आप ये बिलीव करते थे, ये मानते थे कि मतलब हमें जो है जैसे मान लो एक जगह हम रह रहे हैं तो उसमें ही संतुष्ट नहीं होना चाहिए, हमें जो है अपनी टेरिटरी को हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए। द न्यू लैंड कैन बी यूज बाय पीपल टू लिव प्रोवाइड रिसोर्स टू नेशन। उनका मानना था कि जो नई ज़मीन है, जो नई प्लेस है वो लोगों के रहने के लिए भी होनी चाहिए और जो नया नेशन है जिस पे उन्होंने आक्रमण किया है या जिस पे उन्होंने कब्जा कर लिया है, जिसको ऑक्यूपाई कर लिया है, उसके रिसोर्सेज को भी वही यूज़ करेंगे। तो इस टाइप से ये थी इनकी नाजीज की आइडियोलॉजी। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है आर्यन रेस हिटलर बिकम ऑब्जर्व विद द आइडिया ऑफ अ परफेक्ट जर्मन रेस। हिटलर जो है वो ऑब्जर्व करते थे कि परफेक्ट लोग, परफेक्ट जर्मन रेस को ऑब्जर्व करते थे जिनको आर्यन कहा जाता था। फॉर हिटलर द आइडिया आर्यन वॉज बॉर्न ब्लू आइडेड एंड टॉल। हिटलर के अकॉर्डिंग जो आर्यंस होते थे वो कैसे होते थे, ब्लू आइड होते थे और लंबे चौड़े होते थे, टॉल होते थे। तो ये जो थी ये हिटलर की आइडियोलॉजी थी या नाजीज की आइडियोलॉजी थी। अब आगे हम पढ़ते हैं एस्टेब्लिश ऑफ रेशियल स्टेट, ठीक है। अब रेशियल स्टेट को कैसे एस्टेब्लिश किया गया, आफ्टर गेटिंग पावर, ठीक है, पावर मिलने के बाद एंड प्रैक्टिसाइजिंग आइडियोलॉजी इन द स्टेट नाजी स्टार्टेड क्रिएटिंग द सेपरेट रेशियल स्टेट। अब देखो पावर आने के बाद, ठीक है, पावर आने के बाद अपनी आइडियोलॉजी को फैलाने के बाद नाजी जो है उसने स्टार्ट कर दिया सेपरल रेशियल स्टेट, यानी कि जो उसके अपने लोग थे जो उसको सपोर्ट करते थे उनके लिए ही स्टेट बनाना शुरू कर दिया या उनके लिए ही सेपरेट स्टेट। सेपरेट स्टेट का मतलब है वो अपने स्टेट में, अपने देश में ऐसे लोगों को चाहते थे जो कि उनको सपोर्ट करते थे, जो और लोग थे, जो दूसरे लोग थे जो उनको सपोर्ट नहीं करते थे वो उनको देश में रखना नहीं चाहते थे। नाजी कंसिडर्ड प्योर हेल्दी नॉर्डिक आर्यन एज डिज़ायरेबल फॉर जर्मन्स
एंड ज्यूज जिप्सीज ब्लैक वर कंसीडर्ड एज अनडिजायरेबल। अब देखो यहाँ पे कितनी अच्छी बात कही है, नाजीज जो थे वो कंसीडर करते थे जो नॉर्डिक आर्यन थे, यानी हेल्दी नॉर्डिक आर्यन, मतलब लंबे चौड़े और अभी मैंने बताया पीछे बॉडी बिल्डर टाइप के, उनको डिज़ायरेबल जर्मन कहा जाता था, यानी कि वो डिज़ायर करते हैं, वो जर्मन के लोग हैं, वो जर्मन के असली लोग हैं। और जो ज्यूज थे, जिप्सीज थे या ब्लैक कलर के लोग थे, उनको कंसीडर किया जाता था अनडिज़ायरेबल। डिज़ायरेबल पीपल कौन थे? हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस, जो आर्यंस थे वो डिज़ायरेबल पीपल थे, और जो जिप्सीज ज्यूज और ब्लैक थे उनको कंसीडर किया जाता था अनडिज़ायरेबल पीपल। ज्यूज वर ट्रीटेड वेरी बैडली इन जर्मनी, ठीक है, ज्यूज जो थे, ज्यूज को जर्मनी में बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया जाता था, ज्यूज के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार किया जाता था। दे वर कंसीडर्ड एज किलर ऑफ द क्राइस्ट, उनको कंसीडर किया जाता था, उनको माना जाता था कि वो क्राइस्ट के किलर है, यानी भगवान के जो हैं, जो वहाँ पे क्रिश्चियन धर्म था तो क्रिश्चियन के जो भगवान होते हैं क्राइस्ट होते हैं, तो क्राइस्ट के जो थे वो किलर थे, भगवान के किलर थे। दे वर स्टॉप्ड फ्रॉम बाइंग एनी लैंड, सर्वाइव थ्रू ट्रेड एंड मनी लैंडिंग एंड लिव्ड इन अ सेपरेट एरियाज कॉल्ड एज गेटोस। अब इनको क्या था, इनको ज़मीन खरीदने की भी आज़ादी नहीं थी, ये कहीं पे ज़मीन भी नहीं खरीद पाते थे, इनको ट्रेड करने का भी अधिकार नहीं था, ये कहीं से ट्रेडिंग भी नहीं कर सकते थे, और इवन इनको मनी लैंडिंग एंड लिविंग इन अ सेपरेट एरिया, इनको जो है अलग से अलग जगह पर रखा जाता था या मतलब रहने के लिए बोला जाता था, मतलब समाज में सबके साथ नहीं रह पाते थे, अलग से इनको रखा जाता था, और जहाँ इनको रखा जाता था उस एरिया को गेटोस कहते थे। पोलैंड वॉज अनेक्शेड बाय जर्मन एंड द पोल्स वर आस्क्ड टू लीव देयर लैंड एंड रिसोर्स फॉर द जर्मनी। अब पोलैंड जो थे वो जर्मनी, पोलैंड वॉज एनेक्सेस बाय जर्मन्स, ठीक है, जर्मनी, पोलैंड जो था वो जर्मनी के कब्जे में था, एंड द पोल्स वर आस, पोल्स जो अब पोलैंड पे भी जर्मनी ने कब्जा कर लिया था हिटलर ने, तो पोलैंड जो था वो उसके अधीन हो गया था। अब पोल्स जो थे वो उनका कहना था कि वो उन्हें आस टू लीव देयर लैंड, कि वो उनकी ज़मीन को छोड़ दे, एंड रिसोर्स फॉर जर्मनी, और जो रिसोर्स जर्मनी ने ले लिया है उस रिसोर्स को और उनकी लैंडों को वो छोड़ दें। डिस्क्रिमिनेशन वॉज डन विद पोलिश सिविलियन चिल्ड्रन। अब पोलिश सिविलियन चिल्ड्रन जो थे, जो पोलैंड पे कब्जा करने के बाद जो वहाँ के सिविलियन बच्चे जो थे, जो वहाँ के बच्चे थे, उनको भी डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था, उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव की भावना जो है वो रखी जाती थी। दोज चिल्ड्रन हु लुक्ड लाइक आर्यन, जो बच्चे आर्यन जैसे दिखते थे, यानी कि लंबे चौड़े थे, देखने में सुंदर थे, वर स्नेटेड फ्रॉम देयर मदर, उनको उनकी माँ से ले लिया जाता था। एग्जामिन बाय रेस एक्सपर्ट, उनको एग्जामिन किया जाता था कि क्या वो हमारी आइडियोलॉजी के हिसाब से हैं। दे पास द रेस टेस्ट, अगर वो इस टेस्ट को पास कर लेते थे, दे वर पार्ट ऑफ जर्मन फैमिली टू एल्स सेंट टू ऑर्फनेज, और अगर वो इस रेस को पास कर लेते थे, इस टेस्ट को पास कर लेते थे, तो उनको जर्मन फैमिली का पार्ट मान लिया जाता था और उनको ऑर्फनेज में भेज दिया जाता था। तो पोलिश सिविलियन चिल्ड्रन जो थे, पोलिश के जो बच्चे थे, पोलैंड के जो बच्चे थे, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, और अगर कोई बच्चा देखने में आर्यन जैसा लगता था तो उसको उसकी माँ से ले करके और उसको फिर टेस्ट वगैरह उसके कराए जाते थे कि वो नाजी आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग है कि नहीं, और अगर वो उसमें पास हो जाता था तो उसको जर्मन फैमिली में शामिल कर लिया जाता था और उसको ऑर्फनेज में भेज दिया जाता था। अब देखो ये कुछ पिक्चर दे रखी है आपको जर्मन की, ये देखो ये है गेटोस जहाँ पे ज्यूज जिप्सीज और ब्लैक को रखा जाता था। तो ये वो एरिया है जहाँ पे ज्यूज जिप्सीज और ब्लैक जो कि अनडिज़ायरेबल पीपल थे, डिज़ायरेबल तो मैंने आपको बता दिया था, डिज़ायरेबल कौन थे, जो नॉर्डिक आर्यंस थे, और अनडिज़ायरेबल पीपल जो ज्यूज जिप्सीज और ब्लैक थे, उन लोगों को इस टाइप के एरिया में रखा जाता था जिसको गेटोस कहा जाता था। तो ये इस टाइप का एरिया है, ये देख रहे हो आप, ये सारे अनडिज़ायरेबल पीपल जो हैं वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं यूथ इन नाजी जर्मन, यानी कि नाजी जर्मनी में जो यूथ था, जो यूथ पीपल जो थे उनकी क्या स्थिति थी।
हिटलर बिलीव दैट यूथ आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री. हिटलर का मानना था कि जो यूथ है, जो युवा जनरेशन है, वो फ्यूचर है उसकी कंट्री का, यानी जर्मनी का वो फ्यूचर है. दे बिलीव इन टीचिंग चिल्ड्रन नाजी आइडियोलॉजी फॉर फ्रॉम स्टार्टिंग. वो कहता था कि इस यूथ को शुरू से ही, मतलब कि इसको स्टार्टिंग से ही नाजी आइडियोलॉजी को पढ़ाया जाना चाहिए. मतलब जो इसकी टेक्स्ट बुक हो या इनकी जो पढ़ाई लिखाई हो वो सब नाजी आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए. स्कूल्स अंडर नाजिज्म, स्कूल्स जो हैं वो पूरी तरह से नाजिज्म के अंडर में होने चाहिए. आप देखो, ज्यूज टीचर्स वर कंसिडर्ड पॉलिटिकली अनरिलायबल एंड वर डिसमिसेस. अगर कोई स्कूल में टीचर ज्यूज है तो उसको पॉलिटिकली कंसिडर्ड किया, पॉलिटिकली अनरिलायबल, यानी कि उसको मतलब उसको निकाल दिया जाता था, उसको पॉलिटिकली देशद्रोही या कुछ इस टाइप से कह करके और उसको वहाँ से निकाल दिया जाता था. जर्मन एंड ज्यूज चिल्ड्रन वर सेपरेट. जर्मन और ज्यूज जो चिल्ड्रन थे, जो बच्चे थे, वो सब सेपरेट थे, अलग अलग थे. ज्यूज चिल्ड्रन वर नोन आउट ऑफ स्कूल एंड लेटर सेंड टू गैस चैम्बर. जो ज्यूज चिल्ड्रन थे, जो ज्यूज के बच्चे थे, उनको क्या किया जाता था, स्कूल से निकाल दिया जाता था और बाद में उनको जो है गैस चैम्बर में डाल दिया जाता था, कंसंट्रेशन कैंप जिसको कहा जाता था. वहाँ एक रूम होता था जिसमें गैस भरी होती थी, उस गैस में इन ज्यूज को डाल दिया जाता था और उस गैस से ये ज्यूज जो थे वो दम घुटने की वजह से मर जाते थे. उसके बाद स्कूल टेक्स्ट बुक वर रिटन टू इंट्रोड्यूस नाजीज आइडिया ऑफ रेस टू ऑल. जो नई टेक्स्ट बुक इसने रिटन की, मतलब कि नई टेक्स्ट बुक इसने लगाई जिसमें नाजी के आइडिया को ही फॉलो किया जाता था. नाजी के आइडियोलॉजी जो थी उसके अकॉर्डिंग ही टेक्स्ट बुक को बनाया गया और टेक्स्ट बुक जो है वो उसके अकॉर्डिंग ही पब्लिश हुई. चिल्ड्रन वर टॉट टू हेट ज्यूज एंड वर्शिप हिटलर. बच्चों को सिखाया जाता था, बच्चों को बताया जाता था कि वो ज्यूज से घृणा करें, हेट करें, ज्यूज को अच्छा ना माने और हिटलर की पूजा करें. तो हिटलर की पूजा करने के साथ साथ ज्यूज जो थे वो हिटलर के बहुत बड़े दुश्मन थे. क्यों दुश्मन थे? क्योंकि हिटलर को लगता था कि ज्यूज जो थे वो कहीं ना कहीं वो उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं. तो इसके लिए हिटलर जो था वो उसने ऐसी आइडियोलॉजी बनाई थी जिसके कारण जो है वो ज्यूज को पूरी तरह से वो अपने समाज से निकाल देना चाहता था. तो बच्चों को सिखाया जाता था, पढ़ाया जाता था कि वो ज्यूज से हेट करें और हिटलर की पूजा करें, हिटलर को की वर्शिप करें. स्पोर्ट्स ऑफ एग्रेसिव लाइक बॉक्सिंग वॉज टॉट विच कुड मेक देम स्ट्रॉन्ग एंड डिटरमाइंड. ठीक है, स्पोर्ट्स उनको कराए जाते थे. जो जर्मन आर्यंस थे, नॉर्डिक आर्यंस थे, उनको स्पोर्ट्स में उनकी रुचि दी जाती थी, यानी स्पोर्ट्स गेम वगैरह खिलाए जाते थे. उनको बॉक्सिंग करने के लिए कहा जाता था ताकि वो स्ट्रॉन्ग बन सके, मजबूत बन सके. वेरियस यूथ ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी यूथ ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म में आई, बहुत सारी यूथ ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई कि जब बच्चा 10 साल का होता था तो उसको मूव इन जंग वॉल्क में डाल दिया जाता था. जंग वॉल्क क्या था? नाजी यूथ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज. जो बच्चे 14 ईयर्स से कम के एज होते थे वो एक नाजी का यूथ ग्रुप था जिसमें 14 साल से कम बच्चों को रखा जाता था, जिसको जंग वॉल्क कहा जाता था. उसके बाद एक्ट 14 दे हैव टू ज्वाइन नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन. जब बच्चा 14 साल का हो जाता था तो उसको नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन में शामिल कर लिया जाता था, कॉल्ड हिटलर यूथ, जिसको हिटलर यूथ भी कहा जाता है. वेन दे लर्न वर्शिप वॉर एग्रेसिव हेटिंग ज्यूज फिजिकल ट्रेनिंग एटसेट्रा एंड ज्वाइन आर्मी एट एज 18. जब बच्चा 18 एज का होता था तो उसको क्या करते थे, उसको वॉर के बारे में सिखाया जाता था कि वर्शिप वॉर, यानी कि युद्ध लड़ना उसको सिखाया जाता था, कैसे युद्ध लड़ा जाता है, कि क्या क्या चीज़ें होती हैं. हेटिंग ज्यूज सिखाया जाता था कि ज्यूज से हेट करो. उसको फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती थी कि कैसे मजबूत होना है और उसको आर्म फोर्स जो है वो ज्वाइन करा दिया जाता था जब बच्चा 18 ईयर्स का होता था. दिस पार्ट ऑफ यूथ वॉज रीनेम हिटलर यूथ इन 1922. और ये जो है ये आगे चल के हिटलर, इस यूथ को जो है हिटलर यूथ का नाम दिया गया
1922 में इसको हिटलर यूथ के नाम से जाना जाने लगा। तो ये तो था बच्चों आपका यूथ इन नाजी जर्मन। नाजी जो लोग थे उन लोगों ने कैसे यूथ को, यानी कि जो बच्चे होते थे उनको कैसे उन्होंने अलग अलग एज में अलग अलग ग्रुप्स में रखा और कैसे नाजी आइडियोलॉजी को उन्होंने बढ़ाया। ठीक है, आगे देखो, लेट मी कंट्रोल द टेक्स्ट बुक एंड आई विल कंट्रोल द स्टेट। अब देखो, एडोल्फ हिटलर ने ये लिखा था कि अगर मैं टेक्स्ट बुक पे कंट्रोल कर लेता हूँ तो मैं स्टेट पे कंट्रोल कर लूँगा, यानी कि टेक्स्ट बुक अगर मैं अपनी मर्जी की छापता हूँ तो पूरा स्टेट जो है वो मेरी मर्जी में ही काम करेगा। तो ये एडोल्फ हिटलर का कहना था। हिटलर यूथ, ये देख रहे हो आप, हिटलर यूथ की एक पिक्चर यहाँ पे दे रखी है। ये हिटलर यूथ में ऐसे कर बच्चे होते थे, ग्रोइंग अप हिटलर शैडो, तो इस टाइप से ये चीज़ें जो थी, ये हिटलर, एडोल्फ हिटलर ने लिखी थी। तो ये चीज़ें थी। आगे हम पढ़ते हैं, इनडिस्क्रिमिनेशन विद वुमेन। अब वुमेन के साथ क्या क्या करता था ये हिटलर जो था, हिटलर की जो आइडियोलॉजी थी इसके अकॉर्डिंग वुमेन के साथ क्या क्या किया जाता था, इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। चिल्ड्रन वर टॉट दैट वुमेन आर डिफरेंट फ्रॉम मैन। ठीक है, बच्चों को सिखाया जाता था कि जो वुमेन हैं, जो औरतें हैं, वो आदमियों से अलग हैं। ठीक है, औरत आदमी, जैसे अभी हम लोगों के समाज में हमें क्या सिखाया जाता है कि मैन आर एंड वुमेन आर इक्वल, ये हमें सिखाया जाता है। बट नाजी के जो हिटलर के टाइम में बच्चों को सिखाया जाता था कि वुमेन और मैन ये दोनों अलग अलग है, वुमेन जो है वो मैन से अलग है। मेल्स वर टॉट टू बी मस्कुलिन अमंग हर्टेड एंड गर्ल वॉज आस्क्ड टू बी गुड मदर्स ऑफ आर्यन चिल्ड्रन। ठीक है, मेल्स जो हैं उनको वर टॉट, उनको मस्कुलिन कहा जाता था, ये स्ट्रॉन्ग हार्टेड होते थे, और गर्ल्स जो हैं उनको गुड मदर कहा जाता था कि वो अच्छी मदर हैं जब वो आर्यन चिल्ड्रन को पैदा करती हैं। यानी अगर कोई मदर आर्यन चिल्ड्रन को पैदा करती है, यानी उसका बच्चा जो है वो देखने में आर्यन जैसा लगता है, तो उस मदर को एज अ गुड मदर कंसिडर किया जाता था। वुमेन हु गेव बर्थ टू रेशियल डिज़ायरेबल चिल्ड्रन। ठीक है, डिज़ायरेबल चिल्ड्रन अभी पीछे बताया था, डिज़ायरेबल चिल्ड्रन किसको कहते हैं, जो कि आर्यन जैसे लगते थे। तो अगर कोई वुमेन जो है वो ऐसे डिज़ायरेबल चिल्ड्रन को पैदा करती है, आर्यन वर अवॉर्डेड गिवन गुड ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल। तो अगर कोई वुमेन जो है वो ऐसे बच्चे को पैदा करती है तो उसके साथ हॉस्पिटल में स्पेशल ट्रीटमेंट किया जाता था, उसको अवार्ड दिया जाता था और उसके साथ बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया जाता था। आर्यन मदर चिल्ड्रन वर गिव कंसेशन इन शॉप्स, थिएटर टिकट्स एंड रेलवे स्टेशंस। और जो आर्यन मदर्स होती है, जो ऐसे बच्चों को पैदा करती थी, उनको कंसेशन मिलता था शॉप्स में, दुकान में जब वो कुछ सामान लेने जाती थी तब उनको कंसेशन मिलता था, थिएटर के टिकट में कंसेशन मिलता था और रेलवे स्टेशन में भी उनको कंसेशन दिया जाता था। टू एनकरेज मोर चाइल्ड बर्थ, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करने के लिए उनको एनकरेज किया जाता था। ऑनर क्रॉसेस विद प्रोवाइडेड, मतलब उनको एज अ ऑनर दिया जाता था, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा जिसके होते थे उनको ऑनर, एज अ ऑनर दिया जाता था। क्या ऑनर दिया जाता था, ब्रॉन्ज क्रॉस फॉर फोर चिल्ड्रन, अगर कोई चार बच्चों से ज़्यादा पैदा करता था तो उसको ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता था। सिल्वर फॉर सिक्स चिल्ड्रन, छः बच्चों से ज़्यादा होते थे तो सिल्वर दिया जाता था, और अगर एट और मोर, अगर आठ या आठ से ज़्यादा बच्चे पैदा करता था कोई तो उसको गोल्ड मेडल दिया जाता था। तो ये हिटलर की एक जो पॉलिसी थी उसके अकॉर्डिंग हिटलर जो है वो वुमेन को एज अ ऑनर ये मेडल्स देता था। ऑल आर्यन वुमेन्स हु मेंटेन कॉन्टेक्ट और टॉक विद ज्यूज, पोल्स और रशियन वर पैरेडेड थ्रू टाउन विद शेव्ड हैड, ब्लैक फेस एंड विद अ कार्ड इन देयर नेक, आई हैव सोलिड द ऑनर ऑफ द नेशन। अब देखो, जो आर्यन वुमेन्स थी यानी आर्यन बच्चों को जो पैदा करती थी, वो अगर किसी ज्यूज से, पॉलिश से और रशियन से,
बात करती हुई मिल जाती थी या उससे कांटेक्ट रखती थी या उनके साथ बात करती थी या उनसे मिलती जुलती थी, तो उनको क्या करते थे, उनके हेड को शेव्ड कर दिया जाता था, यानी कि उनके बालों को काट दिया जाता था या गंजा कर दिया जाता था, उनके फेस को ब्लैक कर दिया जाता था और उनके गले में एक कार्ड डाल दिया जाता था जिसमें लिखा होता था आई हैव सलेड द ऑनर ऑफ द नेशन, यानी कि मैंने देशद्रोह किया है यानी मैंने देश के खिलाफ काम किया है। इस टाइप का एक टैग जो था वो उनके गले में एक कार्ड पे लिख करके उनके गले में डाल दिया जाता था और उनको टाउन से बाहर कर दिया जाता था, यानी शहर से बाहर जो था वो ऐसी औरतों को, ऐसी जो वुमेन थी उनको शहर से बाहर निकाल दिया जाता था। तो ये इंडिस्क्रिमिनेशन था वुमेन के साथ। ये देखो यहाँ पे आपको दिख रही है फिगर, ये देखो ये लेडीज़ को शेव्ड हेड कर दिया है, उसके बाल काट दिए हैं, ये देखो ये सब आपको दिख रहे हैं, ये सब ये सारी लेडीज़ हैं जिनको शेव्ड हेड कर दिया गया है और इनके गले में जो है एक टाइप का कार्ड डाल दिया गया है और इनको जो है इस टाइप से इनके साथ ट्रीटमेंट करके इनको देश से निकाल दिया जाता था। अब आगे जो टॉपिक है वो है बच्चों आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू पब्लिक, ठीक है, इसमें देखते हैं इसमें क्या क्या हम पढ़ते हैं। नाजीज़ यूज डिफरेंट वर्ड फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस, ठीक है, नाजी यूज़ करते थे डिफरेंट वर्ड्स फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस, ठीक है, अलग अलग काम करने के लिए वो अलग अलग वर्ड्स का यूज़ करते थे। जैसे कि अभी आपने पढ़ा आर्यंस यूज़ करते थे, वो जो नाजीज़ आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे या नाजीज़ को मानते थे या जो लोग जो है जो हिटलर के पक्ष में थे उनको वो आर्यंस बोलते थे। मास किलिंग वॉज स्पेशल ट्रीटमेंट, किलिंग ऑफ ज्यूज वॉज कॉल्ड फाइनल सॉल्यूशन और डिज़ायरेबल एज एंथुसियाज्म गैस चैम्बर वर कॉल्ड एज डिससिग्निफिकेंट एरिया। अब देखो नाजीज़ जो थे वो मास किलिंग जो है, मास किलिंग मतलब समझ रहे हो बहुत सारे लोगों को एक साथ मारना, इसको वो स्पेशल ट्रीटमेंट कहते थे। किलिंग ऑफ ज्यूज़ को मारना जो था वो उनका फाइनल सॉल्यूशन था। तो इस टाइप के वर्ड्स जो थे वो यूज़ करते थे किसी भी काम को करने के लिए। उसके बाद डिज़ायरेबल गैस चैम्बर्स जो थे, गैस चैम्बर्स बनाए गए थे, गैस चैम्बर्स को वो क्या कहते थे, डिसइंफेक्टेड एरिया कहते थे। देखो मास्किलिंग को क्या कहा, स्पेशल ट्रीटमेंट्स, ज्यूस को जो मारते थे उसको कहते थे फाइनल सॉल्यूशन, और जो गैस चैम्बर उन्होंने बनाए थे, कंसंट्रेशन कैंप्स उन्होंने बनाए थे उसको कहते थे डिसइंफेक्टेड एरिया। तो इस टाइप से वो जो थे वो इंफॉर्मेशन पब्लिक को देने के लिए वो इस टाइप के प्रोपेगेंडा का यूज़ करते थे। आगे देखते हैं, नाजी यूज फिल्म, रेडियो, कैची स्लोगन, लीफलेट टू एड्रेस पब्लिक, ठीक है, पब्लिक को एड्रेस करने के लिए, पब्लिक को पब्लिक से बात करने के लिए या पब्लिक को संबोधित करने के लिए वो यूज़ करते थे फिल्म का, रेडियो का, कैची स्लोगन का, लीफलेट्स का, इन सब चीज़ों का वो यूज़ करते थे। नाजी मेड अ फिल्म कॉल्ड द इंटरनल ज्यूज, नाजीज जो थे उन्होंने एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था द इंटरनल ज्यूज, इन विच दे शॉट ऑर्थोडॉक्सी ज्यूज, इसमें उन्होंने ज्यूज की ऑर्थोडॉक्सी दिखाई थी, रेफर टू एज अ रेड, इसको किससे कंसीडर किया था, किससे रेफर किया था, रेड से, मतलब ज्यूज को जो है वो उन्होंने रेड से संबोधित किया था। थ्रू दिस पिक्चर दे वॉन्ट टू टेल पीपल दैट ज्यूज आर अनडिजायरेबल इन सोसाइटी, इस पिक्चर के माध्यम से जो नाजीज थे वो लोगों को बताना चाहते थे कि जो ज्यूज़ हैं वो अनडिज़ायरेबल हैं सोसाइटी के लिए, सोसाइटी के लिए खतरा है, सोसाइटी के लिए परफेक्ट नहीं है। कॉमन पीपल स्टार्टेड ट्रीटिंग ज्यूज ऑल्सो आर बैड पीपल, ठीक है, जो कॉमन लोग थे, अब जब ऐसी बातें उनके दिमाग में रखी जाएंगी, भरी जाएंगी, तो जो कॉमन लोग थे उन्होंने ज्यूज के साथ मतलब गलत व्यवहार करना शुरू कर दिया, उनको बैड पीपल कहने लगे, जो कॉमन लोग थे वो ज्यूज को एज अ बैड पीपल कंसिडर करने लगे। हाउसेज ऑफ ज्यूज वर मार्क एज सस्पिशियस नेबर्स, जो ज्यूज के घर थे उनको मार्क कर दिया जाता था कि ये सस्पिशियस नेबर है, मतलब इनके आस पड़ोस में आके कोई भी मत रहो, तो इस टाइप से उनके घरों को भी मार्क कर दिया जाता था। वन ऑफ द ज्यूज राइटर सीक्रेटली रॉट अबाउट द प्लाइट ऑफ ज्यूज इन बुक कॉल्ड
Thrid Rich of Dream, in which he wrote how Jews committed suicide instead of going to gas chamber and calling themselves as Nazi. अब देखो Jews के एक writer थे, Jews के एक writer थे, उन्होंने secretly एक रोट किया, एक किताब लिखी, एक प्लाइट लिखा कि जिससे कि एक बुक लिखी उन्होंने, थर्ड रिच ऑफ ड्रीम्स, ठीक है, जिसका नाम था थर्ड रिच ऑफ ड्रीम्स. उसमें क्या उन्होंने लिखा कि कैसे ज्यूज जो है वो सुसाइड कर रहे हैं गैस चैम्बर जाने की बजाय, यानी कि उनको पकड़ के गैस चैम्बर में डाल रहे थे नाजीज जो थे, तो गैस चैम्बर में जाने की बजाय वो कैसे अपने आप को सुसाइड कर रहे हैं और जो कॉलिंग देमसेल्फ एज नाजी, यानी कि गैस चैम्बर में जाने से, गैस चैम्बर में जाने की बजाय और अपने आप को नाजी कहलाने की बजाय वो सुसाइड करना ज़्यादा पसंद करते हैं या सुसाइड जो है वो करना चाहते हैं. आफ्टर दैट जर्मनी गॉट डिफीट फ्रॉम द वॉर, जब जर्मनी वॉर में हार गया, ज्यूज वांटेड द वर्ल्ड टू नो अबाउट द हैरिश एटीट्यूड डन बाय जर्मन टू देम. अब देखो जर्मनी जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हार गया, हालांकि जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी हार गया था और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसमें भी जर्मनी जो है वो हार गया था, तो हारने के बाद जर्मनी जब हार गया था तब ज्यूज ने वर्ल्ड को बताया, यानी कि संसार में ज्यूज ने बताया कि उनके साथ कैसा हार्श एटीट्यूड करता होता था जर्मनी में, जर्मन्स जो थे उन्होंने कैसा हार्श एटीट्यूड उनके साथ किया था. ऑल द डिस्क्रिमिनेशन Done by Germans to Jews was called as Holocaust. और ये जितने भी discrimination Germans ने Jews के साथ किए थे या German ने जो भी नीति अपनाई थी या जो भी गलत काम इनके साथ किए थे, इन सब को Holocaust कहा जाता है. तो बच्चों ये तो था आपका chapter. आप ये question answer तो बाद में कराएंगे. तो ये यहाँ पे आपका चैप्टर होता है ख़त्म. आई होप आपको समझ में आया होगा. आप इसमें नोट्स बना सकते हैं, आप अपने आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं. अगर आपको एक बार क्विक रिव्यू कर लेते हैं हम इस चैप्टर का, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है. सभी बच्चों ने हिटलर का नाम सुना होगा आज से पहले, लेकिन आई थिंक किसी को पता नहीं होगा इतना जितना आपको इस चैप्टर को पढ़ करके पता लगा. तो देखो हम एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं. हमने पढ़ा हिस्ट्री का चैप्टर थर्ड, नाजीज़्म एंड राइज ऑफ हिटलर. ये थे हमारे हिटलर. इसमें की शुरुआत में एक स्टोरी थी, हेलमुट की स्टोरी. उसके बाद आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कैसे वीमार रिपब्लिक का बर्थ हुआ था. इसके बाद हमने पढ़ा था कि वॉर के क्या क्या इफ़ेक्ट पड़े थे जर्मनी पे, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके क्या क्या इफ़ेक्ट पड़े थे, उस टाइम पे पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी जर्मनी की. उसके बाद हमने पढ़ा था कि ईयर ऑफ डिप्रेशन जो था 1924 से 28 के बीच में, इसको जो है ईयर ऑफ डिप्रेशन कहा जाता था. इस टाइम पे कैसे वॉल स्ट्रीट जो है वो पूरी तरह से क्रैश हो गई थी, ख़त्म हो गई थी, तो ये सब हमने पढ़ा था. इसके बाद हमने देखा कि जब जर्मनी की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी तब हिटलर का उदय हुआ, हिटलर सामने आए. हिटलर जो थे वो एक मिलिट्री मैन थे, उनको बहुत सारे ब्रेवरी के मेडल मिले थे, उनके हाथ में सत्ता आ गई थी. सत्ता आने के बाद वो क्या बन गए थे, वो एक डिक्टेटर बन गए थे. उनकी पूरी आइडियोलॉजी हमने पढ़ी. फिर उन्होंने कैसे डेमोक्रेसी को डिस्ट्रिक्ट कर दिया, ख़त्म कर दिया, और फिर कैसे उस जर्मनी को उन्होंने रिकंस्ट्रक्शन किया जब उनके हाथ में पावर आ गई थी. तो ये सब हमने इसमें पढ़ा था. उसके बाद हमने नाजी आइडियोलॉजी पढ़ी कि नाजीज की आइडियोलॉजी क्या थी. नाजीज जो थी वो हिटलर की पार्टी थी और वो क्या क्या मानते थे, ये सब हमने पढ़ा. फिर उन्होंने रेशियल स्टेट कैसे बनाया अपने देश को, कैसे उन्होंने जर्मन नॉर्डिक्स आर्यंस जो थे उनको डिज़ायरेबल बनाया और ज्यूज जिप्सीज और ब्लैक को अनडिज़ायरेबल कंसिडर किया. उसके बाद हमने यूथ इन जर्मन नाजी जर्मन पढ़ा कि जर्मनी के लोग जो है वो कैसे नाजी यूथ को टैकल करते थे, डील करते थे. उसके बाद हमने पढ़ा कि वुमेन के साथ क्या इंडिस्क्रिमिनेशन हुआ था, वुमेन को कैसे कैसे अवार्ड दिए जाते थे या क्या क्या उनके साथ गलत होता था, कि उनके हेड को शेव्ड कर दिया जाता था. जो वुमेन ज्यूज से बातें करती थी या उनके साथ कॉन्टैक्ट्स रखती थी रशियन के साथ, पोल्स के साथ, तो उनके हेड को शेव्ड करके उनके गले में एक कार्ड डाल के और उनको टाउन से बाहर कर दिया जाता था.
तो ये चीज़ें हमने पढ़ी। उसके बाद हमने पढ़ा कि आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा, मतलब जो नाजीज थे वो कैसे कैसे अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग वर्ड का यूज़ करते थे, तो ये सब चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़ी। आई होप बच्चों आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको समझ में आई तो आप लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के लिंक मिलते रहेंगे, और अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों, आगे आने वाली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। आगे और वीडियो मैं आपको डालती रहूँगी। मेरी कोशिश है कि SST के जितने भी चैप्टर्स हैं 9th और 10th के, वो सारे मैं इस चैनल में डाल सकूँ। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।